So, hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. कैसे हो यार, आप सभी लोग ठीक हो ना? Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था खत्म मेरा इश्क लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, दिशा की मम दिशा को बहुत ज़्यादा डांट दे देती है। उनका डांटना ना बनता भी था क्योंकि दिशा उन्हें बिना इन्फॉर्म किए मैं के घर स्टे करने आ गई थी। इतनी ज़्यादा डांट खाने के बाद दिशा तो इतू जमी बना के बैठी थी। मैं बोलती, अरे कोई ना जान, मम्मा हमारी फिक्र करती है इसलिए उन्होंने डांटा। हाँ, दिशा बोलती चुप, देखो डांटते रहते हैं, मैं अगर मम्मा बनी ना तो मैं अच्छी वाली मम्मा बनूंगी, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं डांटूंगी। मैं बोलती सो यू वॉन्ट टू बी अ मामा? हाँ, दिशा बोलती क्या है? हाँ, ज़्यादा परेशान मत करो मुझे, जब देखो आप भी बस मुझे परेशान करती रहती हो। मैं बोलती ओह मेरा बच्चा, अच्छा इधर आओ मेरे पास। दिशा बोलती नहीं आना, सब आपकी वजह से हुआ। मैं बोलती अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूँगी। और फिर मैं एक दिशा को अपने बाहों में भर लेती है। दिशा का मुंह तो अभी भी बना हुआ था। मैं दिशा को यूँ हक करके उसके चेक्स पे बार बार किस कर रही थी। अरे कहती सॉरी ना, सॉरी ना, मान जाओ मान जाओ मान जाओ ना अब। तो दिशा फाइनली मान जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को सीने से लगाए और बातें करने लगते हैं। महक तो दिशा से बहुत सारी बातें करना चाहती थी लेकिन तभी महक का ध्यान जाता है। अरे दिशा तो सो गई। महक मुस्कुराते हुए दिशा के बालों को जो साइड करती है और दिशा के फोरहेड पे एक सॉफ्ट सी किस करके महक भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो कहते हैं ना, जब आपका पार्टनर आपके सीने से लगा हुआ हो तो एक अलग ही सुकून होता है। महक को भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था और थोड़ी ही देर में महक भी सो जाती है। अगले दिन जब महक की आँख खुलती है तो वो देखती है कि दिशा रूम में नहीं है। महक बोलती दिशा, दिशा वेयर आर यू? वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। महक दरवाज़ा खोलती है क्योंकि वॉशरूम लॉक नहीं था। महक अंदर चली जाती है जहाँ दिशा शावर ले रही थी। महक मुस्कुराते हुए दिशा को देख रही थी तभी दिशा यूँ टर्न होते, आप अंदर क्या कर रहे हो, चलो बाहर जाओ। महक बोलती हे वाई आर यू ब्लशिंग? हाँ, ऐसे क्यों शर्मा रहे हो जैसे पहली बार मैंने देखा हो? दिशा बोलती बाहर जाइए ना, परेशान मत कीजिए मुझे, मुझे नहाना है। मैं कहती हाँ तो साथ में नहाते ना मेरी जान। मैं कितना बोल के अपने शर्ट के बटन खोलने लग गया। दिशा बोलती जस्ट स्टॉप इट, पर महक नहीं रुकते। देखते ही देखते महक अपना ड्रेस रिमूव कर चुकी थी और महक दिशा के करीब जाने लगती है। दिशा तो शर्माते हुए दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। महक दिशा को यूँ पीछे से हक करके और उसके नेक पे किसेस करने लगती है। दिशा थोड़ा शर्मा रही थी। महक बहुत प्यार से दिशा को किस करती है और दिशा का फेस अपनी तरफ करती है। फिर महक जैसे ही दिशा के मुलायम होठों पे अपने होश रखती है तो दिशा तो एकदम मत होश होने लगती है। महक धीरे धीरे दिशा को किसेस और पैट्स करने लगती है। दिशा भी पूरी तरह से मत होश हो चुकी थी और वो भी अब महक का साथ दे रही थी। ये दोनों ही देखते ही देखते बहुत सारा रोमांस करने लगते हैं और काफ़ी देर हो जाती है इन्हें। और तभी बाहर कॉल आ रही थी। दिशा तुरंत महक से दूर होती है और टॉवल लपेट के बाहर जाते हैं क्योंकि उसका मोबाइल बज रहा था। दिशा कॉल देखती है, उसकी मम्मा गई थी। दिशा बोलती प्लीज़ बचा लेना ऊपर वाले। दिशा तुरंत कॉल पिक करती है, हाँ माँ। उसकी मम्मा बोलती कहाँ हो तुम? दिशा बोलती माँ मैं फ्रेश हो रही थी, बस घर ही आ रही थी। उसकी मम्मा बोलती है घर पर कुछ गेस्ट आए हैं तो उनके लिए कुछ लेके आना। दिशा बोलती कौन से गेस्ट? तो उसकी मम्मा बताती है कि तुम्हारे कुछ रिश्तेदार आए हैं। जिन्हें सुनते ही दिशा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दिशा बोलती इनके लिए मैं घर आऊँ? मैं घर नहीं आ रही और ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है मुझे। अब दोबारा कॉल मत करना, उनकी खातिरदारी मुझसे नहीं होगी, आप ही संभालो अपने रिश्तेदारों को। दिशा सॉरी इतने गुस्से में बोल के कॉल ही कट कर देती है। तभी महक आ जाती है। बाप रे बाप, इतना क्यों भड़क रही हो, क्या हुआ? दिशा एक लुक देती है महक को और फिर बेड पे बैठ जाती है। महक होती बाप रे बाप, बहुत गुस्से में लग रही है, क्या हुआ होगा? महक भी दिशा के पास बैठ जाती है। दिशा कुछ भी नहीं बोल रही थी। महक यूँ दिशा के हाथ पे हाथ रखती है जिस पे दिशा यूँ महक को देखती है। महक दिशा को यूँ अपने शोल्डर पे कर लेती है और दिशा के हाथ पे यूँ किस करती है। दिशा बोलती है अब क्यों आए हैं वो लोग? हाँ
पहले क्यों नहीं आए? जब हमें उनकी ज़रूरत थी, जब हमें पैसों की ज़रूरत थी, तो सबने हमसे नाता तोड़ दिया था। कोई हमारे घर में कदम तक नहीं रख रहा था। पापा का हाल चाल जानने भी कोई नहीं आया, यहाँ तक कि किसी ने कॉल भी नहीं की, इस डर से कि कहीं हम उनसे कुछ पैसे उधार ना मांग लें। अब क्यों आए हैं वो? हाँ, देशा अपना गुस्सा निकाले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी। महक चुपचाप सारी बातें सुनती है। फिर महक थोड़ा मुस्कुराती है, दिशा के फोरहेड पे किस करती है। ये बात है हाँ, फिर तो आपको घर ज़रूर जाना चाहिए। और आप उनकी वजह से अपने घर क्यों नहीं जाओगे? इनफैक्ट आपको घर जाना चाहिए और उनकी अच्छे से खिदमत भी करनी चाहिए, खातिरदारी करनी चाहिए, तरह तरह के पकवान खिलाओ उन्हें। दिशा घूरने लगती है, क्यों हाँ, किस खुशी में, कौन सा महान काम किया जो मैं उनकी खिदमत करूँ? महक बोलती, अरे उन्हें लगता था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, अब उन्हें दिखना चाहिए कि आप कितना कुछ कर चुकी हो, आप अपने पैरों पर खड़ी हो। उनके लिए फ्रूट्स लेके जाओ, तरह तरह के पकवान लेके जाओ, उन्हें इतना खिलाओ, इतना मतलब वो लोग हैरान हो जाएं, शॉक्ड हो जाएं कि जो लड़की कुछ नहीं करती थी आज उसके पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को संभाल रही है, मेहमानों के लिए इतना सब कुछ ला रही है। यू नो व्हाट, अगर कोई हमसे जल रहा है ना, तो हमें उन्हें और जलाना चाहिए। और मेरी जान, जब वो आपको इस तरह देखेंगे ना, हाँ, अपने पैरों पे खड़ा होते हुए, तो वो जल भुन के मुर्गी बन जाएंगे। बाय गॉड, आपको जाना चाहिए, ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आएगा। निशा बोलती, मुझे नहीं जाना, मुझे उन गंदे लोगों के चेहरे देखना भी नहीं पसंद। महक बोलती, जाओ अपने पेरेंट्स का मान बढ़ाओ, जाओ। निशा बोलती, बट महक बोलती, ट्रस्ट मी, उन्हें और जलन होगी जब वो आपको इतना सक्सेसफुल देखेंगे, प्लीज़। दिशा बोलती, हाँ सक्सेसफुल, जैसे पता नहीं कितनी कंपनियाँ खोल रखी है मैंने। महक बोलती, मैडम इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना कोई आम बात नहीं है। अब जितनी आपकी सैलरी है, जितना आप कमा रहे हो, जितना आप घर में संभाल रहे हो, पापा को मम्मा को, ये सब बहुत मुश्किल होता है। अरे बेटे भी छोड़ देते हैं ऐसी सिचुएशन में बाप का साथ, जहाँ आपने उनका साथ दिया है, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, समझी? और इतना खुद को डिमोटिवेट मत किया करो। चलो गेट अप, जल्दी से रेडी हो और अच्छे से रेडी हो के जाओ, बन ढन के, सब देख के ना ऐसे जल जाए आपको। दिशा बोलती, मुझे नहीं जाना। महक बोलती, ट्रस्ट मी, प्लीज़ चलो ना, आई ड्रॉप यू। दिशा फिर भी नहीं मान रही थी। महक बोलती, जान प्लीज़। दिशा बोलती, ओके। महक जल्दी से अपने कबर से एक प्यारा सा ड्रेस निकाल दिया। दिशा बोलती, फैशन शो पे नहीं जा रही, मैं अपने घर ही जा रही हूँ। महक बोलती, हाँ पर चलो घर बैठे ना, जल जाएंगे, बाय गॉड प्लीज़ पहन लो ना। तो दिशा मान जाती है। फिर दिशा वो ड्रेस पहनती है, मैं उसका थोड़ा सा मेकओवर करती है। दिशा बोलती, ऐसे रेडी कर रही हो जैसे पता नहीं कहाँ जाना हो मैंने, हाँ कौन सा कॉम्पिटिशन जीतने जा रही हूँ मैं। मैं बोलती, ट्रस्ट मी जान, बहुत सुंदर लग रही हो। दिशा बोलती, ओके। फिर मैं दिशा का हाथ पकड़ती है और उसे बिठाते हैं, यहाँ बैठो और ये पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैं चेंज कर लेती हूँ। फिर महक जल्दी से चेंज करने लगती है। दिशा यूँ पलट पलट के महक को देख रही थी। महक बोलती, लगता है किसी की नीयत ख़राब हो रही है मेरे पे, जानू अगर इतना ही मन कर रहा है तो आ जाओ, किसने रोका? दिशा बोलती, ज़्यादा मत बनो, लेट हो रहा है मुझे पहले। दिशा तवल के ब्रश करने लगती है। महक मुस्कुराते हुए चेंज करती है। फिर दिशा की चिक्स पे किस करती है, तो चले सबको चलाने के लिए दिशा मान जाती है। फिर ये लोग कार में बैठे होते हैं। दिशा का अभी भी थोड़ा सा मूड ख़राब था, तो मैं दिशा के हाथ पे किस करती है, रिलैक्स सब ठीक होगा। थोड़ी दूर आके महक एक जगह पे ना कार रोकती है, सबके लिए मतलब जो गेस्ट वेस्ट आए हुए थे, तो उन सबके लिए ब्रेकफास्ट एंड ऐसी ढेर सारी चीज़ें लेके आती है। और जब मैं दिशा को पकड़ाती है, तो दिशा घूरने लगती है। महक बोलती है, अरे जान प्लीज़ ना, वैसे भी घर आए मेहमान ना भगवान समान होते हैं, दुश्मन भी जब घर आ जाए ना, तो सारे गिले शिकवे भूल जाने चाहिए। दिशा फिर से एक लुक देती है महक को, गुस्से वाला। महक बोलती है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मम्मा कहती है, वैसे मुझे भी इन बातों पे बिलीव नहीं है, चलो छोड़ो। और फिर थोड़ी देर के टाइम के बाद दिशा का घर आ जाता है। महक कार से नीचे उतरती है, सारे जो उसने खाना वाना लिया था दिशा के हाथ में देती है, अब जाओ अंदर। दिशा बोलती, मुझे उन लोग को देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। महक बोलती, जाओ। तो दिशा घर के अंदर जाती है, सारे मेहमान वगैरह दिशा को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दिशा का जो ड्रेस था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था और दिखने से ही लग रहा था कि यार क्लास है बंदी की। तो सब लोग उसे देख के फ़ौरन ही वहीं पे गॉसिप करने लग जाते हैं। दिशा किचन में जाती है, जहाँ उसकी मम्मा मेहमानों के लिए कुछ बना रही थी। दिशा डांटती है कि खुद को क्यों थका रहे हो ऐसे सेल्फिश लोगों के लिए, जिस पर उसकी मम्मा बोलती, अब तुमने दोबारा से सब लाने से मना कर दिया तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। दिशा बोलती, छोड़ो ये सब। दिशा
आग बुझा दी थी और उसके बाद माँ के हाथ में सारा खाना वाना जलाई थी वो दे दिया। उसकी मम्मी बोलती है क्या क्या लाई हो? दिशा बोलती मुझे नहीं पता, महक लाई है, देख लो जो भी है इसमें, मैं पापा के पास जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती महक क्यों लाई है? दिशा बोलती माँ प्लीज़ मेरा अभी बहुत मूड ख़राब है, अभी कोई सवाल जवाब नहीं। जिस पर उसकी माँ बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, मेहमानों के सामने ऐसे चेहरा लेके जाओगी उदास सा? दिशा बोलती कैसे मेहमान माँ, छोड़ो मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ आई हूँ। और उसके बाद दिशा अपने पापा के पास चली जाती है। सब लोग ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्हें बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है दिशा के पापा की। दिशा के पापा की चिंता में बोल रहे थे भाई साहब आप कितने कमज़ोर हो गए, ये हो गए वो हो गए। और दिशा मन ही मन कह रही थी ब्ला 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 ब्ला, अब ये चिंता सता रही है, फिक्र हो रही है इन्हें मेरे बाबा की। वेल दिशा बस फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे बैठी थी। और उसके बाद खाना जैसे ही लगता है तो सब खाने की तारीफ़ करने लगते हैं, अरे वाह कितना टेस्टी है, ये है वो है। तो लोग दिशा से पूछने लगते हैं बेटा तुम क्या काम करती हो? तो दिशा बताती है मैं इस कंपनी में काम करती हूँ। तो सब कुछ शॉक्ड हो जाता है, इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है ये, तो कमाती कितना हो? तो जैसे सारे सवाल करते हैं रिश्तेदार, तो ऐसे ही उन्हें लगा था कि क्या है 10-15 हज़ार ही होगा। पर दिशा तो सबके मुँह बंद कर देती है, कहती है मैं मंथली 60 के अन करती हूँ। सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जिनका खाना गले में ही अटकने लग जाता है क्योंकि उनके तो लड़के भी इतना नहीं कमाते थे। उसमें से एक आंटी थी जो हमेशा मतलब वो होते ना शौकी मारना कि मेरा बेटा तो इतना कमाता है, ये है वो है, तो वो भी कम कमाता था उनका बेटा दिशा से। तो वो तो एकदम हैरान हो जाते हैं, दिशा को देखने लगते हैं। फिर दिशा को ऑफिस से कॉल आ जाती है जो कि महक की होती है। वो पूछती है कि जान सब ठीक है ना, ठीक हो ना, गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? दिशा बोलती जी बॉस मैं बस अभी ऑफिस आती हूँ। फिर दिशा कॉल कट करती है और कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस से कॉल था। दिशा अपने पापा और मम्मा को हग वग करती है एंड देन वहाँ से निकल जाती है। अब वो जो आंटी थी वो दिशा की सैलरी सुन के तो हैरान ही हो जाती है। अब उनके दिमाग में ना एक आइडिया आता है, वो दिशा की मम्मा से बात करती हैं और कहती हैं कि बात तो मैं मुझे ये भाई साहब के सामने करनी चाहिए थी, लेकिन अभी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मन नहीं किया, वो परेशान होते होंगे ना दिशा के फ्यूचर को लेके, एक ही बेटी है, ये है वो है, गैरों में दोगे तो ये होगा वो होगा और फैमिली में कोई और अच्छा है भी नहीं। तो मैं सोच रही थी कि भाई साहब की टेंशन को कम कर दूँ, क्यों ना दिशा को अपने घर की बहू बना दूँ। तो मतलब लोग कितने सेल्फिश होते हैं ना, वो बस अपने फ़ायदे के लिए सब कर रही थी क्योंकि अब तो लड़की कमाने लगी है। तो दिशा की मम्मा जो होती है वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती, वो समझ तो गई थी कि ये सेल्फिश हो रहा था, सबको अपने रिश्तेदारों का पता होता है, लेकिन वो उस टाइम चुप कर जाती हैं। यहाँ दिशा ऑफिस आती है और सीधा महक के कैबिन में जाके बैठ जाती है। महक उठती है और मेरा बच्चा का मूड खराब है हाँ, तो महक चिल करने लगती है। दिशा यूँ महक को सीने से लगा के उफ आपकी वजह से गई हूँ मैं ना, भेजो तो कभी नहीं जाती। महक बोलती है रिलैक्स, अच्छा अब सबके रिएक्शंस बताओ। तो दिशा मस्ती करने लगती है, बताने लगती है कि कुछ झांटे को तो गले में ही खाना अटक गया, नीचे जा ही नहीं रहा था, वो तो गिलास पानी पीने के बाद भी बेचारी की गले में अटका रहा खाना। तो वहाँ को दिशा फिर मस्ती करने लगते हैं। उसके बाद दोनों थोड़ा काम करते हैं। अब दिशा को प्रमोशन हो गया था तो उसे खुद का एक कैबिन भी जो है उसका ये प्रिपेयर हो रहा था जो कि अब हो गया था। तो महक दिशा को लेके जाती है छोटा सा सरप्राइज़, तो कैबिन के बाहर रिबन कट करवाती है उससे, फिर कैबिन में वेलकम करती है। दिशा तो बहुत खुश हो जाती है उसका, मतलब सपने में भी उसने नहीं सोचा था कि यार मेरा खुद का कैबिन होगा, मैं इतनी अच्छी पोस्ट पे होंगी। दिशा बहुत एक्साइटेड थी। महक जब दिशा को उसके चेयर पे बिठाने लगते हैं ना तो दिशा नहीं बैठती है, वो महक को बिठाती है फिर उसकी चेयर गोद में बैठ जाती है। महक बोलती अभी सही जगह पे बैठी हो, यही आपकी असल जगह है। इस पर दिशा हंसने लगती है। फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं और ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर महक जो है वो दिशा को एक नया लैपटॉप भी गिफ्ट करती है। दिशा बोलती है अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। महक बोलती अरे प्रमोशन के साथ साथ या कैबिन के साथ साथ आपको ये भी दिया गया। दिशा बोलती हाँ मैं तो जैसे स्टूपिड हूँ ना, मुझे तो नहीं पता ऑफिस में क्या क्या दिया जाता है। दिशा बोलती वो तुम्हारा लैपटॉप इशू कर रहा था ना तो इसीलिए। दिशा बोलती अब देखो हमारा जो भी रिश्ता है ना वो ऑफिस के बाहर तक ही ठीक है, ऑफिस में आप मुझे ऐसे गिफ्ट दोगे तो सब कुछ शक होगा। महक बोलती पर किसी को नहीं पता कि मैंने गिफ्ट दिया, आपने खुद अन किया है समझी। तो उसके बाद महक को लैपटॉप फोन करती है, दिशा की आईडी वाइडी सब मेरे लोग सेट करते हैं, वहीं पे महक की सब करवा रही थी। तभी महक के पापा की कॉल आ जाती है, वो कहते कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारे कैबिन में आया हुआ हूँ, तुम तो हो नहीं, किसी मीटिंग के लिए गई हो क्या? तो महक एकदम से दिशा को इशारा करती है उठो मेरी गोद से। दिशा जल्दी से उठती है। फिर महक कहती है पापा वो मैं दिशा के कैबिन में हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है मैं वहीं आ रहा हूँ। महक तुरंत
नॉर्मल चेयर जो बैठी पड़ी होती है सामने वेटिंग एरिया में, वहाँ बैठ जाती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं, तो ये तीनों वहीं पे बात करने लगते हैं। दिशा के बारे में भी बात होती है, महक के डैड भी काफ़ी इम्प्रेस थे दिशा के काम वाम से। तो वो देखते हैं कि दिशा का नया लैपटॉप है डाल, तो वो उसके लिए भी कॉन्ग्रेस करते हैं कि तुमने नया लैपटॉप लिया है। दिशा यूँ महक को देखती है, महक बोलती है हाँ डैड इसके लैपटॉप में कुछ इशू चल रहा था ना, तो एक्चुअली मैंने इसे सजेस्ट किया कि लैपटॉप लो, मैं भी तो यूज़ करती हूँ ना, इसमें ज़्यादा इशू भी नहीं आता। जिस पर उसके डैड बोलते हैं हाँ ये तो है, चलो अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना काम करो। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं महक और दिशा। उफ, दोनों ही थोड़ी गहरी सांस लेते हैं कि चलो बचत हो गई। वहाँ दूसरी तरफ दिशा की मॉम जो होती हैं, वो जब अपने हस्बैंड को लंच करवाने के लिए जाती है तो उनके मन में ना वही बात चल रही थी, तो वो थोड़ा परेशान थी, थोड़ी गुमसम थी। तो दिशा के पापा बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों, कुछ सोच रहे हो क्या? तो दिशा की मम्मा बता देती हैं कि वो ऐसे ऐसे बोल रही थी अपने बेटे के लिए, दिशा के बारे में बात कर रही थी। जिस पे दिशा के पापा पहले तो खामोश हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, लंच भी ढंग से नहीं करते। जैसे ही मेडिसिन खा के लेटते हैं तो 2 मिनट बाद खुद उसे उठ के बैठ जाते हैं। दिशा की मम्मा बोलती है क्या हुआ आपको, नींद नहीं आ रही क्या? जिस पे वो बोलते हैं मुझे लगता है कि दिशा दिशा इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। जिस पर उसकी मम्मा बोलती है हाँ मुझे भी ये लगता है, तभी तो मैंने हाँ या ना किसी में जवाब नहीं दिया। जिस पे दिशा के डैड बोलते हैं अब कब तक अपनी बेटी को घर बिठाएंगे, लोग तो यही बातें करेंगे ना कि बेटे की कमाई के पीछे उसे घर बिठाया हुआ है, वैसे भी बेटियां तो अगले घर जाने के लिए ही होती हैं ना, चलो घर की बात है, रिश्तेदारों में है। जिस पे दिशा की मम्मा बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हैं, वो कहती है पर तुम जानते हो ना वो औरत कितनी चंट है, हमारी दिशा बेचारी मासूम सी सीधी सादी सी है, वो तो दिशा को कच्चा खा जाएगी, और उसका बेटा वो कितना बदतमीज़ है, मुझे नहीं लगता कि रिश्ता दिशा के लिए सही है, दिशा तो कभी नहीं मानेगी। दिशा के डैड बोलते हैं चलो घर की बेटी है घर में ही रहेगी, पता नहीं फिर कहाँ उसके नसीब होंगे, कहाँ होगा, कौन लोग होंगे, सही होंगे या नहीं होंगे। जिस पर दिशा की मम्मा पहली बार दिशा के फेवर में कहती हैं, और कहती हैं कि मुझे नहीं पता, ये सब ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं ना, जब उसके नसीब में होगा, जब ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दबाजी करना ठीक है। दिशा बदल चुकी है, वो मैच्योर है, अब वो समझदार है, बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि उसके हिसाब का ये रिश्ता नहीं है, और इतना भूल के वो वहाँ से चले जाते हैं। बाप तो बाप होता है ना यार, वो भी प्यार तो करता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि चलो घर की बेटी है घर में रहे, मतलब आउट ऑफ कास्ट करें, इतनी कैसे लोग हों, लड़का कैसे हो, फैमिली कैसे हो, तो हर बाप को ये टेंशन तो सताती है। दिशा के डैड को भी अब यही टेंशन सता रहे थे। यहाँ दिशा तो इन सब बातों से बेखबर थी, वो महक के साथ एक मीटिंग अटेंड करने जाती है। मीटिंग ख़त्म होती है तो ये दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। महक बोलती है मैडम हम तो ट्रिप पे जाने वाले थे ना, बताओ फिर कहाँ चले? दिशा बोलती है अभी अभी प्रमोशन हुआ है, अभी ट्रिप पे चले जाऊँगे तो लोग बातें करेंगे। दिशा महक को थोड़ा घूरती है, महक कहती है ये सही है आपका, उल्टा चोर को तवाल को डांटे, खुद ही आपने प्रोमिस किया था और आप मुझे ही घूर रहे हो। दिशा बोलती आप अच्छी थोड़ी हो, आपको भी तो समझ आ रहा है ना मैं सही कह रही हूँ। महक बोलती जाओ अब मैं बात नहीं करूँगी। दिशा बोलती अरे ऐसे कैसे बात नहीं करोगी? हाँ तो दिशा इतना बोल के उठ के महक के पास वाली चेयर पे आके बैठ जाते हैं। महक बोलती यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ अपनी चेयर पे बैठो। दिशा बोलती मुँह फुला के रखोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। महक बोलती तो मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी। दिशा बोलती ये क्या बच्चों जैसे सीते हैं, हाँ देखो आप पे बचपना ना छूट नहीं करता, आप बहुत मैच्योर हो। महक बोलती कोई मैच्योर वेच्योर नहीं हो, मैं तुम्हारे मामले में मैं बच्ची हूँ ठीक है ना, हम ज़्यादा मत बनो। दिशा बोलती अरे आज आप मेरी जैसी बातें क्यों कर रहे हो, हाँ ऐसे लग रहा है कि अपने मेरे साथ करेक्टर स्विच कर लिए अपना। महक बोलती हाँ तो सिर्फ आप नखरे कर सकती हो, हाँ मैं नहीं कर सकती, ये कौन सी किताब में लिखे हैं भाई? दिशा बोलती ओके ठीक है तो आज मुझे आपके नखरे उठाने पड़ेंगे। महक बोलती हाँ तो उठाओ मेरे नखरे, मैं भी तो उठाती हूँ ना। दिशा बोलती वैसे आपको तो नहीं उठा सकती पर कोई ना आपके नखरे उठा लूँगी। महक घूरती है दिशा को, दिशा बोलती ही तो मजाक कर रही थी, अच्छा चलो आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। दिशा खिलाने लगती है, महक दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं। दिशा बोलती अब ऐसे करोगे हाँ मेरे साथ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया ना, चाहे मैं जितना भी गुस्सा हूँ। महक बोलती अच्छा ठीक है खिलाओ आप, तो दिशा महक को अपने हाथों से खिलाती हैं। तभी वहाँ पे ना जो वो लेडी थी, वो आंटी जिन्होंने रिश्ता मांगा था, वो वहीं पे आई थी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में, तो वो यहाँ दिशा को देख लेती है। अरे दिशा बेटा तुम यहाँ? दिशा उन्हें देख के खड़े हो जाते हो, कहती तुम तो ऑफिस गई थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिशा बोलती है वैसे आंटी आपको एक सवाल पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपकी बेटी तो नहीं हूँ, लेकिन चलो अब आपने पूछ ही लिया तो मैं आपका जवाब दे ही देती हूँ।
शी इज़ माई बॉस, और हम यहाँ एक मीटिंग के लिए आए थे, मीटिंग ख़त्म हो गई है तो हम बस यहाँ लंच कर रहे थे। जिस पर गति, हाँ तुमने सही कहा, तुम मेरी बेटी हो तो नहीं लेकिन बहुत जल्द अब तुम मेरी घर की लक्ष्मी बनने वाली हो, यानी मेरी बेटी बनने वाली हो। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं। थीशा बती, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, मैं एकदम खड़ी हो जाती है क्योंकि शायद उसे आंटी की बातें समझ आने लगी थी। मैं बोलती, क्या क्या मतलब था आपके इस बात का? तो वो आंटी जो होती है वो दिशा के कान में आके कहती हैं कि तुम्हारे मम्मा पापा और हम यही सोच रहे हैं तुम्हारा ये रिश्ता मेरी बेटे के साथ, और इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर दिशा तो गुस्से में यू टेबल में हाथ पटकती है, ये क्या हो रहा है? मैं कहती, क्या हुआ, कुछ कुछ बताओगी मुझे? हाँ कि क्या क्या मतलब था आंटी की बात का? क्या 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 आपके पेरेंट्स आपका रिश्ता कर रहे हैं? दिशा बोलती, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवती, वाह, तो उन्होंने आपको अपनी बेटी मान भी लिया और आपको इस बात का पता ही नहीं है? दिशा बोलती, महक प्लीज़, आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता, और मैं कसम खाती हूँ ऐसा ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था। दिशा परेशान होने लगती है कि कहीं महक दिशा से नाराज ना हो जाए, पर तभी महक दिशा के दोनों शोल्डर्स को होल्ड करती है। इट्स ओके, आई नो आपके पेरेंट्स हैं, आप इकलौती हो तो फिक्र हो रही होगी आपकी, कोई बात नहीं, आई नो आपको इस बारे में नहीं पता था, इट्स ओके, वापस ऑफिस चलते हैं ना। दिशा बती, आपने तो कुछ खाया भी नहीं? महक बती, नहीं मेरा पेट फुल है। महक इतना बोल के जो है वो वहाँ से चली जाती है, बाहर कार में जाके दिशा का वेट करने लगती है, क्योंकि महक का मूड सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। महक के दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही थी। यहाँ दिशा को बहुत गुस्सा आता है, वो सीधा अपनी मम्मा को कॉल करती है और कहती है, क्या बकवास है माँ, क्या बोल के गई हैं वो आंटी यहाँ पे, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, अरे जिन्हें मेरे बाबा की फिक्र ही नहीं थी जब जिन्होंने हमें मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, आप मुझे उनके घर भेजना चाहते हो? इम्पॉसिबल माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पर उसकी मम्मा बोलती, क्या बात कर रही हो तुम, हुआ क्या है? तो दिशा बताती है, कैसे जैसे मैं मीटिंग के लिए आई हुई थी और यहाँ उन्होंने मेरी बॉस के सामने, महक के सामने ये बात बोली है, माँ उन्होंने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, ऐसे नहीं होगा, मैं वहाँ शादी कभी नहीं करूँगी, आप मेरा वहाँ रिश्ता नहीं करोगे, आप वादा करो मुझसे। देख पे उसकी माँ बोलती, अरे बेटा तुम भी किसी की बातों में आ रही हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा नहीं होगा। दिशा बोलती, माँ कसम खाओ मेरी कि ऐसा नहीं होगा। जिस पर उसकी माँ खामोश हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि उनके हस्बैंड के माइंड में चल रहा है कि ठीक है ये रिश्ता। दिशा गुस्से में कॉल कट कर देती है कि मैं अब घर नहीं आऊँगी। दिशा की मम्मा बोलती, बेटा बात तो सुनो। दिशा की मम्मा कॉल करती हैं पर दिशा तो कॉल ही पिक नहीं करती, वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहती, शिट महक। दिशा तुरंत भाग के बाहर आती है, महक बाहर कार में बैठी थी, दिशा कार में आके बैठती, आई एम सॉरी क्या मैंने ज़्यादा वेट करवाया? महक दिशा की तरफ देखती है और ना हमें सर हिलाते हुए फिर से कार चलाने लगते हैं। यहाँ दिशा बहुत अपसेट थी क्योंकि वो महक की फेस पर उदासी देख रही थी। महक कब से टूना बनता था, लेकिन दिशा भी तो कहाँ खुश थी, वो भी तो उतनी ही परेशान थी। पहले ये दोनों ऑफिस आ जाते हैं जहाँ महक अपने कैबिन में चली जाती है और दिशा अपने कैबिन में जा चुकी थी। दिशा के मॉम फिर से दिशा को कॉल करती है पर दिशा अब कॉल पिक नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि इस टाइम वो बहुत गुस्से में, और गुस्से में वो अपनी मॉम के साथ बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इंसान जब गुस्से में होता है ना तो वो कभी कभी सोचने समझने की ना स्लैद खो देता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो किस टोन में बात कर रहा है और किससे कर रहा है। दिशा इसलिए अभी बात करना अवॉइड कर रही थी। यहाँ दिशा से काम भी नहीं हो रहा था, वो उठती है और महक के कैबिन में जाती है, नोक नोक करती है, मैं आई कम इन? महक बोलती है, नहीं मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। तो दिशा अंदर आ जाती है, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई थी, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं था। महक बोलती है, ठीक है यहाँ रख दो और आप भी जाके अपना काम करो। दिशा महक के पास बैठ जाती है, नाराज़ हो, देखोगे भी नहीं मेरी तरफ? महक बोलती है, नहीं मैं क्यों नाराज़ होंगी तुमसे, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे भी काम करने दो। दिशा बोलती, कॉफ़ी टेस्ट तो करो, बताओ तुझे कैसे बनी है। महक बोलती, आपने बनाई है, आई एम श्योर अच्छी ही होगी। दिशा बोलती, प्लीज़ आई एम सॉरी, मैंने मॉम से बात की है, ऐसा कुछ नहीं होगा। महक बोलती, दिशा तुमने ही कहा था ना कि हमें प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए, और ये ऑफिस का टाइम है, अच्छा यही होगा कि हम दोनों यहाँ सिर्फ काम करें और काम की ही बात करें। दिशा बोलती, ओके आई एम सॉरी बॉस, मैं भूल ही गई थी, एनीवे कॉफ़ी पी लेना। दिशा इतना बोल के वहाँ से चले जाते। महक बोलती,
गुस्सा किसी दिन मेरी ही जान ले लेगा। मैं कुछ टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो इतनी इनसिक्योर हो गई थी ना दिशा को लेके कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। महक वो कॉफ़ी पीती है, ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है और सोचती है कि अब वो जाके दिशा से बात करे। महक दिशा के केबिन के बाहर खड़े थे, गहरी सांस लेती है, केबिन का दरवाज़ा हल्का सा खोलती अंदर जाने के लिए, पर तभी वो वहाँ पर देखती है कि दिशा के बिल्कुल काफ़ी गरीब होके एक लड़का खड़ा है और उसके लैपटॉप में झुक के कुछ देख रहा है। अब महक से बस ये भी बर्दाश्त नहीं होता, महक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे इतनी ज़्यादा जेलिसी होती है कि क्या बताऊँ। वो अंदर जाने के बजाय ऑफिस से ही बाहर चली जाती है, अपनी कार में बैठ के सीधा अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर चले जाती है। महक की बेस्ट फ्रेंड तो महक को देख के काफ़ी खुश थी, उठ के महक को सीने से लगाती है, पर महक तो उसे हक बैक ही नहीं करती। उसकी फ्रेंड बोलती, बाप रे बाप, ये क्या था, हाँ इतना गुस्सा, किस किस पे गुस्सा आया हुआ है मैडम। महक बोलती, खुद पे आया हुआ है, मुझे दिमाग ख़राब हुआ है मेरा, मुंह मत लगा मेरे। कहती, एक सेकेंड, तू मेरे घर आई है बात करने के लिए और मुझे कह रही है मैं तुझसे बात ना करूँ? ठीक है, तू डिसाइड कर ले, तुझे मुझसे बात करनी है या नहीं करनी। महक बोलती, ऑफकोर्स करनी है, तभी तो यहाँ मुँह उठा के आई हूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, ही तू ऐसे मुँह बाहर भी रख के आ सकती थी। महक बोलती, प्लीज़ यार अपने सिले जोक्स अपने पास रख, मूड बहुत ख़राब है मेरा, बाय गॉड ऐसा ना हो कि मैं तेरा मुँह तोड़ दूँ। उसकी फ्रेंड बोलती, हाँ खुलाउन महक, क्या हुआ? आई एम श्योर दिशा के साथ कुछ हुआ होगा राइट? क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ? महक बोलती, झगड़ा होने के लिए भी ना बात करना पड़ता है। कहती, क्या वो तुझे इग्नोर कर रही है? महक बोलती, नहीं आई एम इग्नोरिंग हर। इतने में ही दिशा की कॉल आ जाती है महक के नंबर पे, पर महक कॉल पिक नहीं करती। उसकी फ्रेंड बोलती, हाँ वो तो दिख रहा है तू इग्नोर कर रही है उसे, पर क्यों? महक बोलती, क्योंकि गुस्से में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैंने कभी खुद को इतना इनसिक्योर फील नहीं किया, कभी कभी जेलिस नहीं हुई यार किसी से भी, पर अब जेलिसी इस हद तक बढ़ गई है कि मैं पागल हो रही हूँ। जब दिशा की तरफ कोई देख भी लेना, उसका इतना से भी पास चला जाए तो खून खोलने लगता है मेरा। आई जस्ट लव हर यार, मुझे बर्दाश्त नहीं होता उसको किसी और के साथ देखना। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, ओ तो तूने उसे किसी फ्रेंड के साथ देखा है? महक बोलती, नहीं यार। तो उसकी फ्रेंड बोलती, अच्छा ठीक है तो मुझे डिटेल में बता हुआ क्या है। तो महक सब कुछ बताती है, वो आंटी वाली बात, फिर अपने कोवर्कर के साथ थोड़ी नज़दीकी वाली बात। जिस पर कहती, देख यार इन दोनों ही सिचुएशन में ना दिशा की कोई गलती नहीं थी। महक बोलती, आई नो शी इज इनोसेंट एंड वो प्यार करती है मुझसे, वो मुझे कभी चीट नहीं करेगी, आई नो डैट वेरी वेल, बट प्रॉब्लम यह है कि मैं पागल हो रही हूँ, मैंने कभी कभी ऐसा फील नहीं किया। दिशा को ना किसी और से बात करता हुआ भी देख लो ना तो जान जाने लगती है मेरी, और जब से उस आंटी ने उसके रिश्ते की बात किया ना, मेरा सोच के मुझे कुछ और है। अगर दिशा की शादी कहीं और हो गई ना तो मैंने मर जाना है, बाय गॉड मैं यही सोच के मर जाऊंगी कि मेरी दिशा किसी और के साथ, नहीं 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 ऐसा कभी नहीं हो सकता, दिशा सिर्फ मेरी है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, ओह गॉड महक तू तो सच में पागल हो गई है, कोई किसी के प्यार में इस हद तक पागल हो सकता है क्या? महक बोलती, जब तुझे प्यार होगा ना फिर तुझसे पूछूंगी, और हाँ मैं हो गई हूँ पागल अपनी दिशा के लिए बहुत ज़्यादा। मैं कभी इतनी पोसेसिव नहीं थी यार किसी को भी लेके, पर जब बात दिशा की हो ना तो मुझे समझ में नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। यार वो इंसान है, उसे दोस्त रखने का हक है, उसे अपने कोवर्कर के साथ बात करने का हक है, आई नो डैट उसकी खुद की भी एक लाइफ है, बट मुझे देखा ही नहीं जाता उसे किसी और के साथ बात करते हुए देख के भी, ये क्या है? क्या सच में प्यार में ये सब भी होता है क्या? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, मेरा तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है ही नहीं, तू तो जानती है ना कभी प्यार व्यार नहीं हुआ। हाँ पर शायद जेलिसी तो होती है ना यार, दोस्तों के साथ भी होती है, वो तो फिर भी तेरा प्यार है। तभी दिशा की फिर से कॉल आने लगती है, महक कॉल पिक नहीं कर रही थी, दिशा तकरीबन 10 बार कॉल कर चुकी थी। तभी महक की फ्रेंड बोलती, देख यार इस तरह उसे इग्नोर मत कर, वो परेशान हो रही होगी, क्या तुझे अच्छा लगेगा उसे परेशान करके? महक बोलती, नहीं यार पर इस टाइम मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी बोलूँ जिससे वो उदास हो जाए। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, तू उसे इग्नोर कर रही है कि ये चीज़ उसे उदास नहीं कर रही होगी? कम ऑन वो ऑलरेडी अपसेट है, टॉक टू हर सब ठीक हो जाएगा। मैं गहरी सांस लेती है और दिशा की कॉल पिक करती है। दिशा बोलती, थैंक गॉड आपने मेरी कॉल पिक की, आर यू ओके? हाँ और हो कहाँ, बिना बताए कहाँ चली गई, इस टाइम तो कोई मीटिंग भी नहीं थी आपकी, अब ठीक तो हो ना? हाँ कहाँ हो मुझे बताओ, मैं आती हूँ वहीं पे। मैं बोलती, नहीं मैं डोंट वरी, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरफ आई हूँ। दिशा बोलती, व्हाट
ओके ठीक है, आपको जाना तो एटलीस्ट बता के जा सकती थी ना। मैं बोलती आई एम सॉरी, फिर से ऐसा नहीं होगा। ईशा बोलती बात सॉरी की नहीं है यार, मैं परेशान हो गई थी, ऊपर सब मेरे कॉल्स पिक नहीं कर रहे थे। मैं बोलती आई सेड आई एम सॉरी, फिर से नहीं होगा। ईशा बोलती ओके, क्या हुआ है मूड को? मैं बोलती आपको नहीं पता क्या हुआ है मुझे। दिशा बोलती क्या आपको नहीं पता कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? आपको लगता है मैं ऐसा कभी होने दूंगी? मैं बोलती जान आई आई नो, बट मुझे गुस्सा आ रहा है, जेलिसी हो रही है, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, मैं इसका क्या करूँ? दिशा बोलती तो बात करो मुझसे, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? हमें इस टाइम साथ रहने की जरूरत है, चलो वेकेशन पे चलते हैं। मैं बोलती हाँ, तुम ही मना कर रही थी। दिशा बोलती हाँ, पर अभी मैं ही बोल रही हूँ ना, हमें अभी साथ में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। तो चले आज रात से निकलते हैं अपने सफर में। मैं बोलती आर यू सीरियस? दिशा बोलती ऑफकोर्स आई एम। मैं बोलती और तुम्हारे पेरेंट्स, उनसे परमिशन कौन लेगा? दिशा बोलती मॉम के साथ लड़ाई है तो वो समझ सकती हैं कि मैं घर नहीं आऊँगी, वो मुझे अच्छे से जानती हैं। मैं बोलती मॉम के साथ लड़ाई करके जाना अच्छी बात नहीं है, सब सॉर्ट आउट करके जाओ। दिशा बोलती ओके, मैं उन्हें बोल दूंगी बिजनेस ट्रिप है। महक बोलती ठीक है, तो मैं ऑफिस आ रही हूँ, नीचे आ जाना। दिशा बोलती ओके। महक का मूड ठीक हो गया था, उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। महक की फ्रेंड बोलती ओ माई गॉड, जब से तू आई है ना अब आके तेरे चेहरे पर स्माइल देखी है मैंने, ये तो पहले ही बात कर लेती उससे। महक बोलती हम दोनों वेकेशन पे जा रहे हैं, एक हफ्ता एक साथ, आई एम सो एक्साइटेड। उसकी फ्रेंड बोलती आ हाँ, एक हफ्ता हाँ, 7 दिन हाँ, 7 रातें गुजरेंगी, 7 दिन गुजरेंगे, क्या बात है। मैं बोलती हाँ क्या है, छेड़ मत मुझे। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा ठीक है, एक हक तो कर, मुझे पहले भी तूने हक नहीं किया था। तो मैं उसे हक करती है, यदि दिशा के सामने तुझे हक नहीं कर सकती, वो जायज होती है। उसकी फ्रेंड बोलती अरे मुझसे भी, कम ऑन यार मुझसे क्यों? उसे पता नहीं है कि हम दोनों के एक दूसरे पर क्रश कभी नहीं हुआ, नहीं कभी होगा। मैं बोलती वो जानती है, पर आई गेस ऐसा ही होता है प्यार में। उसकी फ्रेंड बोलती ओ गॉड, अगर ये बात है ना तो मैं तो कभी प्यार ही नहीं करूँगी। मैं बोलती मेरी जान प्यार सोच समझ के नहीं होता, खुद ही हो जाता है, चल ठीक है पाए। और मैं कितना बोल के वहाँ से निकल जाती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब दिशा और मैं कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।